जांजगीर चांपा के शिवरीनारायण में एक शिक्षिका की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए उनके पति ने सराहनीय मिसाल कायम की है। वर्ष 2017 में कन्या माध्यमिक स्कूल शिवरीनारायण में पदस्थ शिक्षिका चंद्रकिरण शर्मा की मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद शिक्षिका की याद में उनके पति योगेश शर्मा ने 25 लाख रुपए खर्च कर शिवरीनारायण में स्कूल भवन का निर्माण कराया है। मृत्यु से पहले शिक्षिका चंद्रकिरण शर्मा इसी स्कूल में पदस्थ थी। अब इस स्कूल भवन का नाम उन्हीं के नाम पर किया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह ने शिवरीनारायण पहुंचकर इस नव निर्मित स्कूल भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने शिक्षिका के पति योगेश शर्मा के प्रयास की प्रशंसा की। आज चंद्रकिरण जी शर्मा जो यहाँ शिक्षक थी, उनके पतिदेव ने जो उनके जो पैसे जो मिला होगा उनको, उसे एक अच्छा काम किया कि उनके नाम पे स्कूल भवन यहाँ बनाया और उसका उद्घाटन के लिए हम लोगों को आमंत्रित किया। ऐसे बहुत लोग अपने परिजनों के नाम पे कुछ बनाते हैं, लेकिन स्कूल हम पहली बार देख रहे हैं कि स्कूल यहाँ पे बना और उसका शासन ने विधिवत उसकी अनुमति दी और उसके अनुसार से आज उनके नाम आज अमर होगा। जब तक स्कूल रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। तो ऐसे समाज के और भी बहुत से लोग हैं, उनको इस बात को प्रेरणा लेनी चाहिए। शिक्षिका के पति योगेश शर्मा ने बताया कि उनकी स्मृति को जीवंत करने के लिए स्कूल का भवन बनाने का फैसला लिया। मेरी इच्छा थी कि जिस विद्यालय में वो अध्ययन कराया करती थी, वह विद्यालय उसके नाम से हो जाए। उसके लिए प्रयास प्रारंभ हुआ और सबके सहयोग से शासन की अनुमति के पश्चात शासन के निर्देशानुसार भवन निर्माण करा करके नामकरण की कार्रवाई प्रारंभ हुई। अंत में मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी ने भी अपनी स्वीकृति दी और शिक्षा मंत्री जी के सहयोग से यह कार्य संपन्न हुआ और आज इस भवन का लोकार्पण हुआ है।